हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए हैं और हम सभी चाहते हैं कि फेस्टिवल्स में हमारे फेस और बॉडी के साथ साथ हमारे पैर भी सुंदर दिखे। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर जाके सैलून स्टाइल पेडिक्योर कर सके। सो मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप में घर पर ही आपको पेडिक्योर करना सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो लेट्स गो स्टार्टेड। तो गाइस, सैलून स्टाइल पेडिक्योर करने के लिए आपको यहाँ इन सभी आइटम्स की ज़रूरत है। हमें और भी आइटम्स चाहिए जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सैलून स्टाइल पेडिक्योर हम घर पे करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेल पेंट हटा लेनी है। इस तरीके से आपको रिमूवर से अपने सभी नेल पेंट को अच्छे से रिमूव कर लेनी है और इस तरीके से आपकी नेल पेंट हट जाएगी। उसके बाद आप इसको नेल कटर से अच्छे से नेल्स को अपने सेट कर लीजिए। काफ़ी टाइम हो गया मैंने नेल्स सेट नहीं किए और पेडिक्योर भी नहीं किया है, तो मेरे भी नेल्स बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं। इस तरीके से गाइस, नेल्स को सेट कर लेने के बाद आप इन पर अच्छे से वैसलीन लगा लें, जिससे क्या है आपके नेल्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मुलायम भी हो। इस तरीके से सभी नेल पेंट्स लगा लेने के बाद हम एक टप में थोड़ा सा पानी लेंगे। आपको यहाँ पे गुनगुना पानी लेना है और उस गुनगुने पानी में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुने पानी में हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच सेंधा नमक लिया है। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप वाइट नमक भी ले सकते हैं जो खाने में यूज़ होता है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा सावर जेल लेंगे। आपके पास जो भी सावर जेल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर लैवेंडर की ले रही हूँ। आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल है आप उसके कुछ बूंदें मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारे पैरों में अगर आपके फंगस प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी और पसीने की स्मेल आती है तो वो भी नहीं आएगी। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लेने के बाद इस तरीके से आपको अपने 2 से 3 मिनट तक पैरों को इसमें डीप करके रखना है, जिससे आपके पैर पर जो भी डस्ट वगैरह हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए और आपके पैर वाइट और सॉफ्ट हो जाएं। इस तरीके से आप इन्हें अच्छे से डीप करके रखें। उसके बाद गाइस, अगर आपके पैरों पे बाल भी बहुत आ रहे हो तो आप रेजर से इस तरीके से अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है मेरे भी रेजर नहीं किया, सो मेरे भी पैरों पे बहुत ज़्यादा बाल। सो गाइस, आप रेजर से ईजिली अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी टॉवल से अपने पैरों को पोंछ लीजिए। और उसके बाद हम क्यूटिकल्स की सहायता से हमारे जो नेल्स में जो भी डस्ट वगैरह हैं वो निकालेंगे। सो गाइस, मैं यही कहूँगी अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप ये क्यूटिकल्स यूज़ नहीं करें, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर फॉर्मर की सहायता से आप अपने नेल्स को अच्छे से सेट कर लीजिए, जिससे क्या है आपके नेल्स अच्छे से शेप में आ जाए। इसके बाद गाइस, हम हमारे पैरों को और सुंदर बनाने के लिए एक स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर ली है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट भी ले सकते हैं, बट उसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लें। थोड़ी सी कॉफ़ी ले रही हूँ। कॉफ़ी हमारे पैरों को बहुत ही सॉफ्ट और वाइट बनाने में हेल्प करती है। थोड़ा सा मैंने हनी लिया है और मैं यहाँ पर वापस सेंधा नंबर लूँगी। आपको जितना ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग सेंधा नमक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेंधा नमक ले रही हूँ और आप चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा स्क्रब बन के तैयार हो जाएगा। इससे आपको अपने पैरों पर अच्छे से स्क्रबिंग करनी है और इस तरीके से लगाना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों पर इससे स्क्रब करना है, जिससे क्या है जो भी डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाए और पैरों में जो भी डस्ट हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आप इन्हें अपने नेल्स पर भी लगाइए, जिससे अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा येलो हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से लगाते रहिए और 5 से 10 मिनट तक आप इससे स्क्रबिंग करते रहिए। आपको खुद फ़र्क महसूस होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। 5 से 10 मिनट बाद आप अपने पैरों को गुनगुने पानी में रख दीजिए। इस तरीके से रख के आप उन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए। गाइस, आप खुद देखेंगे कि आपके पैर कितने ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, ब्राइटनिंग हो गया। अब हम एक मसाज क्रीम बनाएंगे हमारे पैरों के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर मलाई ली है और मलाई में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने पैरों पर इससे मसाज कीजिए। यह आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा और अगर आपकी एड़ियाँ भी फटी हुई है तो इस क्रीम को आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं, मसाज करें।
काफ़ी अच्छी मसाज क्रीम है ये, इस तरीके से मसाज कीजिए और इसे तब तक मसाज करते जाइए जब तक कि मलाई आपके पैरों में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाए और जो नेचुरल ऑयल है वो आपकी स्किन में नहीं चला जाए। इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक आपको अच्छे से अपने पैरों पर मसाज करनी है। अब आप देख सकते हैं मसाज करने के बाद आपके खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इस मसाज क्रीम में ही एक पैक बनाएंगे और इस पैक को बनाने के लिए इसी मलाई में मैंने थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिक्स किया है। हम सभी जानते हैं कि चंदन टैनिंग को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेंगे। अगर सन से अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये उन्हें भी रिपेयर करेगा। इस तरीके से 2 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। थोड़ा सा हनी लेंगे। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है और उन्हें सॉफ्ट बनाता है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे। एलोवेरा भी हमारी स्किन को मॉइस्चर देने में बहुत हेल्प करता है। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी आप इनमें गुलाब की पत्तियाँ भी मिक्स कर। अगर आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह पेस्ट हमारे स्किन को वाइट बनाएगा, ब्राइट बनाएगा, साथ ही ग्लोइंग बनाएगा। और आप देखेंगे कि आपके पैर बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए हैं। और अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही फटती है तो गाइस आप थोड़े से कोकोनट ऑयल में मोम को पिघलाकर भी अपने पैरों पर नाइट में लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है और इसे हम हमारे पैरों पर अच्छे से लगा लेंगे। इस तरीके से आपको इन्हें अपने दोनों पैरों पर लगाना है। काफ़ी अच्छा पैक है। आप इसे विंटर में अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। फेस पर भी अगर आपकी टैनिंग हो गई है बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से लगा लेने के बाद आप इन्हें 20 मिनट के लिए सूखने को छोड़ दीजिए, जिससे क्या है ये अच्छे से हमारे पैरों में एब्जॉर्ब हो जाए। सूखने के बाद इसे हम गुनगुने पानी में इस तरीके से धो लेंगे, जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए। सो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरे पैरों में कितना ज़्यादा फ़र्क महसूस हो गया। अभी भी हम इसमें एक चीज़ और लगाएंगे जो कि एलोवेरा जेल है। यह एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट करती है। इस तरीके से आप एलोवेरा जेल लगाइए और आप खुद मेरे पैरों में फ़र्क देख सकते हैं, पहले पैर मेरे कैसे थे और अब कैसे हैं। सो गाइस आप इसे एक बार ज़रूर फेस्टिवल्स में ट्राई करके देखें, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम इस पर सुंदर सी नेल पेंट लगाएंगे। तो नेल पेंट लगाने से पहले हम एक ट्रांसपेरेंट कोट लगाएंगे। जब भी आप नेल पेंट लगाएं तो ट्रांसपेरेंट कोट जरूर लगाएं। उससे क्या होगा, आपके जो नेल्स हैं वो येल्लो नहीं होंगे। और उसके बाद ही हम इस पर रेड कलर की नेल पेंट लगाएंगे। सो गाइस फेस्टिवल्स में आप घर पर ही सैलून स्टाइल पेडिक्योर कर सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं मेरे पैर कितने ज़्यादा साफ़ हो गए हैं। इस पे जो भी डेड स्किन थी वो अच्छे से रिमूव हो गई है और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। सो आप घर पर इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। पसंद आया होगा और साथ ही वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये पेडिक्योर कैसा लगा। काफ़ी इफेक्टिव पेडिक्योर, आप इसे एक बार ज़रूर घर पे करना।